हेलो गाइस, तो मैं हूँ सोनस। सोनस रेसिपी में आप सबका स्वागत है। तो मैं यहाँ पर इंग्लैंड में शिफ्ट हुई हूँ और आज मैं साइड डिश में बनाने जा रही हूँ एस्पेरेगस फ्राई। तो ये देखिए, इस तरह से ये दिखता है। इसको हिंदी या मराठी में आप शतावरी भी कह सकते हैं, शतावरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये बहुत हेल्दी और लो इन कैलोरी होता है डाइट। अगर आप वेट लॉस डाइट कर रहे हैं तो इसका अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसका जो चूवी पार्ट है, इसके जो लास्ट वाला पोर्शन है उसको निकाल देंगे इस तरह से। ये थोड़ा चूवी रहता है गन्ने जैसा, जैसे गन्ने में कैसा चूवी पार्ट रहते तो उसी तरह इसका जो लास्ट वाला पोर्शन है वो चूवी रहता है, उसको निकाल देना है जैसे मैंने निकाला है। अब इसको वॉश कर लेंगे। और अगर आपके पास फ्राइंग पैन है तो आप उसमें फ्राई कीजिएगा, या फिर फ्लैट सरफेस के कोई भी पैन पर भी फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कढ़ाई में फ्राई कर रही हूँ, तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो गया है और ये देखिए मैं इसको किस तरह से डाल रही हूँ कढ़ाई में। तो एक के ऊपर एक इसको नहीं डालना है, नहीं तो ये अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगा। तो देखिए, सिंगल सिंगल ही इसको इस तरह से डाल देना है, वन बाय वन। तो इसको ऊपर नीचे करके हमें थोड़ा सेक लेना है। ये देखिए, तो अभी तेल गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे मसाले। तो मसालों में मैं डाल रही हूँ काला मिर्च पाउडर यानी ब्लैक पेपर, ये है ऑरिगेनो। तो ऑरिगेनो का छेद मेरा बहुत बड़ा था बॉटल का, तो मैं हाथ पर लेकर यहाँ पर स्प्रेड कर रही हूँ। तो थोड़ा सा डालना है, ये देखिए। आप चाहे तो चिली फ्लेक्स या फिर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा डालिएगा, क्योंकि एस्पेरेगस का भी खुद का अपना एक टेस्ट होता है और ये काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। और मसालों को अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे मसालों के साथ एस्पेरेगस को, और इसको ऊपर नीचे करके सेक लेंगे और थोड़ा ढक देंगे 1-2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं ढकना है। और ये देखिए फ्रेंड, नीचे से इसका कलर चेंज होने लगा है। तो इसको ऊपर नीचे करके इस तरह से सेकना है। वो आप बीच वाला देख सकते हैं, येलो कलर हो गया है। तो ये अच्छे से पक रहा है इसलिए इसका कलर चेंज हो रहा है। तो इसी तरह हमें इसको अल्टी पल्टी करके सेक लेना है। ये देखिए, पूरे साइड से इसको सेक लेना है, तभी इसको खाने में अच्छा मज़ा आएगा। तो गाइस, ये 80% पक गया है। आप इसको ऐसे भी निकाल कर खा सकते हैं, क्योंकि ये पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये थोड़ा थोड़ा सा अंदर से क्रिस्पी और जूसी टेंडर ही लगेगा खाने में, लेकिन मुझे और इसको सॉफ्ट बना के खाना है, तो मैं इसको और पकाऊंगी। तो ये लो इन कैलोरी फूड है, आप इसको अपने वेट लॉस जर्नी में भी शामिल कर सकते हैं, वेट लॉस डाइट में भी शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए, मुझे जैसा चाहिए था सॉफ्ट वाला, वैसा बनकर रेडी हो गया है। बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है। तो मैं इसको निकाल लूँगी और ये बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड। बहुत अच्छी स्मेल मेरे घर में फैल गई है, तो अभी वेट नहीं हो रहा है। चलो जल्दी से मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। तो गाइस, ये देखिए एस्पेरागस मैंने यहाँ पर फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लिए हैं। तो अभी मैं इसको आपको खा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये बनता है और इसका टेस्ट कैसा है वो भी मैं आपको खाकर बताती हूँ। बहुत टेस्टी लग रहा है फ्रेंड। इसमें काली मिर्च, ऑरिगेनो और नमक का फ्लेवर काफी अच्छा आ रहा है और काफी सॉफ्ट पके हैं। ये जो है ना, हम लोग जो हरा वाला चना लाते हैं ना, खेत में से पौधा उखाड़ कर लाते हैं, और उसका जो छिलका सहित चना होता है उसको हम रोस्ट करते हैं तवे पर, और उसको जब छिलकर खाते हैं, उसका छिलका उतर कर खाते हैं, जो अंदर का ग्रीन वाला हरा वाला चना जैसे सॉफ्ट लगता है ना खाने में, टेस्टी लगता है ना, उसी तरह का टेस्ट इसका आ रहा है फ्रेंड। तो मुझे उस वाले चने की याद आ रही है। इधर इधर तो वो चना नहीं मिलता है, लेकिन ये तो मिलता है। तो मैं ये अगली बार से ऐसा बनाकर जरूर खाऊंगी। तो यहाँ के लोग ऐसे फ्राई करके खाते हैं, तो मैंने यहाँ की रेसिपी ट्राई की, मेरे एक फ्रेंड ने बताई जो यहाँ पर रहती है, ब्रिटिश फ्रेंड है, उसने बताया कि कैसे बनाना है। तो मैंने उसी की तरह से बनाया है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूले। तो फ्रेंड, मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।